खमागणी जय हिंद जय राजस्थान दोस्तों। तो अपनी ट्रैकिंग के जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पहुँचे हैं गेटोर की छत्रियों के पास और वहाँ के सिनेमेटिक व्यू आप देखेंगे अभी इस वीडियो में आगे। और अभी अपन यहाँ से चलेंगे आज गढ़ गणेश जी की ट्रैकिंग करते हुए, तो बने रहिए आप हमारे साथ जर्नी में, आपको अपडेट देते रहेंगे। क्या देखिए कैसा लग रहा है ट्रैक? अरे बहुत अच्छा, अब तक जितने भी किए उसमें सबसे बढ़िया वो खतरनाक भी खतरनाक सांस फूल गई, खड़ी चढ़ाई है यार यहाँ पे कि उतर गई शकल काफी है, हाइटेड है, हाइट काफी हाइट ज्यादा है इसमें और सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। जो अपने पिछली बार जो दो तीन ट्रैक किए थे वो तो फिर भी इजी थे, वैसे ये, लेकिन चढ़ाई नहीं थी, ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का है ना। तो वैसे अपना ट्रैक है उधर गढ़ गणेश वाला, लेकिन थोड़ी देर इधर चलते हैं देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। व्यू इज ऑसम, एक नंबर, मजा आ गया, क्या बोलते हो? क्योंकि अब तक जो अपने ट्रैक थे वो थे इवनिंग के, आज अपन ने किया फर्स्ट मॉर्निंग ट्रैक। हाउ इज यू फीलिंग? पिछले वाले में मजा आया, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है? फीलिंग गुड, मजा इसमें भी आ रहा है, बट होता क्या है कि इवनिंग के अंदर बहुत कम लोग आते हैं ट्रैक करने के लिए, तो मेरे को पर्सनली इवनिंग वाले में ज्यादा मजा आता है। मॉर्निंग में काफी ज्यादा अपन ट्रैकिंग पे आते किस लिए कि थोड़ा दूर चले, थोड़ा जो लश और ग्रीनरी का जो एनवायरनमेंट है उसको फील करें, थोड़ा एकांत में बैठे हैं। अभी यहाँ इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, भीड़ तो उस भीड़ भाड़ से बचने के लिए वैसे हमने नया जुगाड़ निकाल लिया है, हम आ गए बिल्कुल साइड में, यहाँ कोई नहीं है। नीचे जरूर दो चार बच्चे हैं वो दिख रहे होंगे इधर, बाकी ऐसा कोई नहीं है जो ट्रैकिंग कर रहा हो। वो रास्ता अलग से, ये थोड़ी एकांत में एक साइड जगह, तो यहाँ आके हम बैठे हैं। सही भी की जगह, हाँ जगह अच्छी है, पीछे का व्यू देखो। एक बात है कि अपने राजस्थान में बहुत शानदार शानदार जगह है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है वैसे, तो है ना, वो लगता है राजस्थान में होगा क्या, सिर्फ दौरे होंगे, मिट्टी होगी या कोई मेंटेलिटी है, लोग बस पीने के लिए पानी नहीं होगा, आरती से मरेंगे। रियलिटी कुछ अलग है, रियलिटी कुछ वाकई में कुछ अलग है। लाइक हमने तो अब जैसे ट्रैकिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो हमें फील होता है, बाकी आप लोग भी फील तो ले ही पा रहे होंगे वर्चुअली। चलो फिर चलते हैं आगे। तो ये है रास्ता जो आप नीचे देख पा रहे हो, जैसे ये जो रास्ता है ये ट्रैकिंग के लिए जाता है अपने ऊपर चरण मंदिर, जहाँ अपन पिछली बार गए थे, लेकिन हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे। और जो राइट में जहाँ ये भाई लोग बैठे हैं, ये जो रास्ता निकल रहा है, ये यहाँ से भी दो रास्ते जाते हैं, एक है ये चबूतरा ट्रैक की तरफ और एक ये गढ़ गणेश ट्रैक जहाँ अपन जा रहे हैं इस साइड में। तो दोस्तों फाइनली जो तीन रास्ते निकल रहे थे उसमें से अपन ने अपनी जो मंजिल का रास्ता है वो चुन लिया है, ये जा रहा है गढ़ गणेश की तरफ। और ऊपर आप देख सकते हैं एंट्री गेट, ये ऊपर करके दिखाना थोड़ा, ये ऊपर देख सकते हैं आप एंट्री गेट। तो अभी ट्रैकिंग का जो रास्ता था वो वहाँ से हो चुका है बंद, यहाँ से हो गई सीढ़ियाँ चालू। लेकिन एक बात है कि जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगता है इन सीढ़ियों की बजाय। हाँ ये बहुत स्टीप रहती है चढ़ाई के लिए, लेकिन वैसे सही है, ये लेग्स की और नीज की अच्छी एक्सरसाइज करवा देती है ना। अरे जोर जाके नींद मस्त आने वाली है। ये दोस्तों अपना छोटा सा प्यारा सा जयपुर, कंक्रीट का जंगल, बढ़िया लग रहा है ना जयपुर, कितना फैल गया मतलब है, जितनी अरावली हिल्स है ये, मतलब एक टाइम पहले आज से 8-10 साल पहले जयपुर के बिल्कुल आउटर एरिया में हुआ करती थी, अब तो यहाँ तक मतलब पहाड़ों तक जयपुर पहुँच गया है, पहाड़ों तक के इसके पीछे भी पहुंचने लग गया। बिल्कुल, और इनके पीछे बन रही है आज के टाइम में बड़े बड़े ग्रुप्स की एक से बढ़कर एक शानदार 5-स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टीज। ये है हमारा गढ़ गणेश मंदिर, प्रथम पूज्य देवता, अभी पट थोड़े बंद है, खुलते हैं तो फिर चलते हैं। लेट्स वेट, लगता है जल्दी आ गया।
ये मंदिर की छत से कितना प्यारा व्यू आ रहा है और ऊपर से ये सूर्य की उगती हुई किरणें, बहुत ही शानदार आनंद आ गया। क्या बोलते हैं विक्की, आया ना मजा? और विक्की, ये तो डबल बोनांजा ऑफर हो गया है, ट्रैकिंग की ट्रैकिंग हो गई और भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो ये तो मजा आ गया। और अब तो पॉजिटिव एनर्जी सी आने लग गई है, मुझे लग रहा है आज का वीकेंड बड़ा जोरदार जाने वाला है, फुल ऑन पॉजिटिव वाइब्स आ गए दर्शन करके ट्रैकिंग करके। ट्रैकिंग से हेल्थ को फ़ायदा हुआ, दर्शन करके मेंटल हेल्थ को फ़ायदा हुआ, दोनों स्ट्रांग हो चुकी है आज के लिए। तो इस मंदिर के बारे में विकी कुछ बताया जाए अपने दर्शकों को। मंदिर का ऐसा है कि ये 18th सेंचुरी का मंदिर है और यहाँ के राजा हुए थे सवाई जय सिंह सेकंड। बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पे क्या अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जयपुर जो सिटी है ओल्ड सिटी, उसको बनाने से पहले इसके अंदर मूर्ति स्थापना करी और उसके बाद फिर जयपुर का शिलान्यास किया। ये लगभग 300-350 साल पुराना मंदिर है। बढ़िया है, गुड, चले फिर आगे। अरे विक्की, ये और कौन सा तीसरा रास्ता आ गया मंदिर पे आने का? दो रास्ते तो अपन पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, तीसरा रास्ता है मंदिर से वापस जाने का। वाह, चलो बढ़िया यार, अपना काम ही है ये नई नई चीज़ एक्सप्लोर करना, मजे लेना और सबको मजे दिलाना, बढ़िया, गुड। अच्छा, ये इधर से निकल के और अपन ये वापस यहीं आ गए कि भैरव एंट्री गेट वाले में। गेट में नहीं जाके अच्छा, इधर से वापस भी वो सेम रास्ता है ना? ओके, गॉट इट। ये जो कंक्रीट की सिटी दिख रही है, इसमें अपना मकान कहाँ चल, पहचान पहचान बता कहाँ अपना मकान? अपना कहीं नहीं है, बहुत दूर से है अपन। पक्का पक्का बंद कर दें फिर? चलो गाइस बाय। कि कहाँ आ गए हैं? हमारे गांव सम्राट, पेट पूजा करने सम्राट कचौरी वाले। चलो दिखाते हैं अभी। जयपुर का फेमस सम्राट कचौरी वाला, वो तो देख सकते हो, सुबह सुबह 8 बजे इतनी भीड़ लग रही है, इसका मतलब फेमस ही है। बाकी सारी दुकानें बंद है, केवल एक यही खुली है। खुली है, जो खुली है, भीड़ लग रही है यार यहाँ तो। चलो फिर अपन ट्राई करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, अपन आ गए थे घर, और घर आने के बाद अपन आज निकल लिए हैं राजपूत समाज के द्वारा आयोजित की गई केसरिया महापंचायत के अंदर अपने दोस्तों के साथ वाहन रैली में। तो आगे भी आपको कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे केसरिया महापंचायत के फंक्शन के। तो आज इतना भव्य दृश्य मुझे देखने को नहीं मिलता और पहली बार मुझे आज अनुभव हुआ है कि मेरा भी यहां कोई है। नहीं बताते कोई झूठी कहानी, देश धर्म इस राष्ट्र में न्योछावर की है अपनी जवानी, पत्थर को हमारा सूर्य करता, शत्रु भी अपनी जवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। होली उठते हो पांड, तुम देश को मूर्ख बनाते हो, हमने तो बलिदान दिया, तुम हमें विलन दिखाते हो, बरसों से हम तुम समझाते पर तुम समझ ना।